प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से कैन और हाबिल की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक उसके चौथे अध्याय में लिखा है कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब हव्वा गर्भवती हुई, तब उसने दो पुत्रों को जन्म दिया। एक था कैन तथा एक था हाबिल। कैन बड़ा पुत्र था तथा हाबिल उससे छोटा था। उनमें से जो कैन था वह बड़ा होकर किसान बना तथा वह अपने पिता की भूमि पर खेती किया करता था। तथा जो दूसरा पुत्र हाबिल था वह चरवाहा बना, वह अपने पिता की भेड़ बकरियां चराया करता था। बाइबल यह दर्शाती है दोस्तों कि जब पहले प्राणी आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में फल खाकर यहोवा परमेश्वर के विरोध में अपराध किया था, तो यहोवा ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था। तथा उसके पश्चात आदम और हव्वा ने यहोवा से क्षमा मांगने के लिए तथा धन्यवाद करने के लिए पश्चाताप के लिए एक वेदी बनाकर यहोवा को शुद्ध मेमनों की बलि चढ़ाई। तब से वह परमेश्वर को हर एक उत्तम वस्तु का बलिदान सर्वप्रथम दिया करते थे धन्यवाद के रूप में। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं दोस्तों कि उन्होंने अपने बेटों कैन व हाबिल को भी क्षमा व धन्यवाद की भेंट चढ़ाना सिखाया था। जब कैन व हाबिल की परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का समय आया, तब हम देखते हैं दोस्तों कि कैन जो किसान था वह अपने खेतों में से कुछ बची कुची व सड़ी गली भूमि की उपज में से यहोवा परमेश्वर को भेंट चढ़ाने ले गया, और दूसरी ओर जो छोटा हाबिल था वह अपनी भेड़ों में से सबसे उत्तम, सबसे अच्छी व अपनी प्रिय भेड़ को यहोवा को भेंट चढ़ाने ले गया। इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों कि जब हाबिल अपनी भेंट लेके वहाँ वेदी के पास आया, तो कैन ने उससे कहा कि ये तो तुम्हारी प्रिय भेड़ है, तुम इसे क्यों बलिदान दे रहे हो? मैं तो अपने खेतों की बची कुची उपज ही लाया हूँ, जो मेरे किसी काम की नहीं। तब जो हाबिल ने कैन से कहा दोस्तों, वह उत्तम बात थी। उसने कहा, नहीं भाई, हमें अपने यहोवा परमेश्वर को सदा उत्तम तथा अपनी प्रिय वस्तु ही भेंट देनी चाहिए, बची खुची नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें पृथ्वी पर उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है तथा वह हमारा पिता है। वह हर दिन हमें संभालता है व उसने हमें पृथ्वी भर की वस्तुओं का वारिस व अधिकारी बनाया है। जब हमारे यहोवा परमेश्वर ने हमें उत्तम आशीषें प्रदान की है, जबकि हम गुनाह भी करते हैं, तो हम क्यों ना अपने परमेश्वर को उत्तम व प्रिय भेंट ना दें? हमें कभी भी अपने परमेश्वर को बचा हुआ या व्यर्थ भेंट नहीं देना चाहिए। हमें भी अपने रचने वाले को संपूर्ण आदर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ पृथ्वी भर में उत्तम प्रदान किया है, हर दिन हमें चलाता है व नया दिन दिखाता है, हमें भी उस परमेश्वर को उत्तम बलिदान धन्यवाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। किसी भी वस्तु विषय को उससे बढ़कर स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आज इस पृथ्वी पर हम प्राप्त कर रहे हैं वह सब कुछ परमेश्वर का ही है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि कैन और हाबिल की कैन पर हाबिल की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ तथा उन दोनों ने अपनी अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। तब जो भेंट हाबिल ने भेड़ के रूप में यहोवा परमेश्वर को चढ़ाई थी, वह परमेश्वर के द्वारा स्वीकार की गई तथा परमेश्वर ने उसे ग्रहण भी किया और हाबिल को आशीष दी। तथा दूसरी ओर हम देखते हैं दोस्तों कि कैन ने भी वेदी पर आकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, परंतु परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। तब कैन बहुत क्रोधित हुआ तथा उसके मन में उदासी छा गई। तब यहोवा परमेश्वर ने कैन से कहा कि तू क्यों क्रोधित होता है? अगर तू भला करता और अपने मन में अच्छा विचार लाता तो तेरी भेंट ग्रहण की जाती, परंतु तूने अपने मन में पाप को स्थान दिया, इसलिए तेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई।
तुझे अपने पाप पर प्रभुता करनी होगी। मतलब दोस्तों कि परमेश्वर ने कैन से कहा वह अपने भीतर के पाप को पहले खत्म करे तथा उस पर विजयी हो जाए और शुद्ध हृदय से बलिदान करे, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर पाप से घृणा करता है क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर वह कैन को सिखाना चाहते थे कि वह पाप से मन फिराए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य पाप का गुलाम बना रहे। जैसे एक पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र गुनाह करे या अपने मन में गुनाह की युक्तियां बनाए, इसी प्रकार दोस्तों हमारा रचने वाला परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम अपराध करें या पाप को अपने भीतर ठहरने दें। आगे हम देखते हैं दोस्तों, कैन हाबिल से जलने लगा क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार की थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कैन की नफरत अपने भाई के लिए इतनी बढ़ गई कि उसने उसे घात करने की योजना बनाई तथा वह हाबिल को झूठ बोलकर एक मैदान में ले गया तथा वहां ले जाकर कैन ने हाबिल को घात किया तथा उसे मार ही डाला। जी हाँ दोस्तों, कैन के भीतर के पाप ने उसके अंदर जलन की भावना को बढ़ावा दिया तथा उसने इस पाप की गुलामी के कारण अपने भाई को ही घात कर मार डाला। यह होती है दोस्तों पाप से जन्मी नफरत तथा उसका परिणाम। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहोवा परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। जबकि दोस्तों परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञानी है, फिर भी वह उसके मन को जांचने के लिए ऐसा कर रहा था। तब कैन ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, मैं क्या अपने भाई का कोई रखवाला हूँ। दोस्तों यहाँ भी कैन ने झूठ बोलकर एक और अपराध किया जो उसके पिता आदम ने भी अदन की वाटिका में पहले किया था। यही था पाप का स्वभाव जो आदम से उसके पुत्र में व पीढ़ी दर पीढ़ी में चला आ रहा है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहोवा ने कैन से कहा कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरे भाई हाबिल का लहू भूमि में से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाइबल दर्शाती है कि हाबिल का लहू पृथ्वी पर से अपने न्याय के लिए परमेश्वर की ओर पुकारता रहता था, क्योंकि वह पृथ्वी पर बहाया हुआ मनुष्य के द्वारा पहला लहू था। और तब परमेश्वर ने कैन से यह भी कहा कि अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शापित है। परमेश्वर ने यह भी कहा कि चाहे तू भूमि पर उपज करे तब भी इसकी पूरी उपज तुझे ना मिलेगी, तू पृथ्वी भर भटकने वाला रहेगा। यही शाप कैन को यहोवा ने दिया जो सारी पृथ्वी के मनुष्यों में फैला। हमें पृथ्वी की हर वस्तु का भेंट देना होगा, यही शाप परमेश्वर ने कैन को दिया। तथा आगे हम देखते हैं दोस्तों कि कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दन सहने से बाहर है, मैं पृथ्वी पर सदा भटकता रहूंगा और जो देखेगा मुझे वह मुझे घात करेगा। इस प्रकार कैन ने परमेश्वर से क्षमा मांगी और पश्चाताप किया तथा उसने परमेश्वर से अपने लिए दया भी मांगी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर अति करुणामय दयालु ईश्वर है। परमेश्वर ने कैन से कहा कि जो कोई तुझे घात करेगा उसे 7 गुना बदला दिया जाएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने कैन के लिए एक चिन्ह भी ठहराया ताकि फिर कोई उसे पाकर मार ना डाले, जिससे वही अपराध दोबारा कोई और ना करे। इसी प्रकार दोस्तों यहोवा ने कैन को क्षमा कर फिर से पृथ्वी पर जीने का अवसर प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी कहानी में हम यह सीखते हैं कि एक तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में उत्तम बलिदान देना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को या वस्तु को यहोवा से बढ़कर स्थान नहीं देना चाहिए, ना ही प्रिय जानना चाहिए, जैसे कैन ने अपने खेतों की उपज को जाना, और ना ही अपने भीतर बदले की व ईर्ष्या की भावना को रखना चाहिए, क्योंकि वह भावनाएं मिलकर पाप को उत्पन्न करती है तथा पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। और परमेश्वर से अलग होकर दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा बाइबल के वचन यूहन्ना के 15वें अध्याय के 5वें वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों परमेश्वर बहुत ही दयालु है, वह नहीं चाहता कि हम गुनाह करें या पाप के गुलाम बने रहें,
इसलिए कभी कभी वह हमें हमारे अपराधों व पापों से मन फिराने के लिए जानबूझकर हमें दंड देता है, ताकि हम अपने पापों से मन फिराकर सच्चे व जीवित परमेश्वर की सच्चे मार्गों में बने रहें। और परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, यदि हमसे कोई अपराध हो भी जाए जाने अनजाने में, तो हमें अपने परमेश्वर के पास शुद्ध हृदय से जाकर अपने अपराधों का अंगीकार करना चाहिए, उन्हें मान लेना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर इतना दयालु है कि वो हमें क्षमा भी करता है तथा अपने हृदय से लगाता है, क्योंकि वह हमारा पिता है, हमें रचने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों को सजा देकर प्रसन्न नहीं होता, और यदि वह सजा देता भी है तो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही वह ऐसा करता है, ताकि उसके बच्चे सही राह पर चलें व जीवन में सफल व आशीषित बने रहें। हालेलुया। तो दोस्तों, हमें भी अपने को जांचना होगा कि हम में भी तो कहीं कोई कैन का स्वभाव नहीं चल रहा, जैसे झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, जलन रखना व नफरत करना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई भी स्वभाव हमारे भीतर बना ना रहे, इसका हमें ध्यान देना होगा। वरन हाबिल की तरह हमें परमेश्वर को उत्तम भेंट बलिदान देना चाहिए। ऐसा स्वभाव हाबिल की तरह हमें रखना चाहिए, जो सदा धन्यवादी हृदय वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, तभी हम पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे तथा अनंत जीवन के भी वारिस बने रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको इस कहानी के संक्षिप्त विवरण से आशीषित करे तथा अपनी आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। मैं आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।